नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक स्वीट डिश जो झटपट तैयार हो जाती है। सिर्फ चावल और दूध से बनाते हैं इसे, तो आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने चावल लिए हैं और इनको लगभग मैंने आधा घंटा भिगो दिया है। आप चाहें तो किनकी ले सकते हैं, जो चावलों के बारीक टुकड़े आते हैं वो। दूसरी तरफ मैं ये दूध रख दूंगी गरम करने के लिए। अब हम जब तक ये दूध गरम होता है तब तक हम उन चावलों को पीस लेते हैं। मैंने चावलों को लगभग आधे घंटे के लिए भिगोया था। इनको धो के अच्छी तरह भिगो लें और फिर आधे घंटे बाद हमें इन्हें पीसना है। इसमें थोड़ा हम पानी डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालना है और इसको बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है। ये देखिए मैंने इसे पीस लिया है। इस प्रकार से थोड़ा दाना रहना चाहिए इसमें, ये इस तरह से थोड़ा हल्का मोटा सा दाना रहे और इसमें पानी डाल के पीसे ताकि पतला सा घोल बन जाए। ये दूध भी उबल चुका है। अब हम इसमें जो हमने चावल पीसे थे वो इसमें डाल देंगे। धीरे धीरे करके इनको डालना है, एकदम से ना डालें नहीं तो इसमें गुठले बन जाएंगे। ये मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल रही हूँ। चावल जब पीसें उसमें पानी ज़रूर डालें क्योंकि उससे वो पतला हो जाएगा, पीसने में भी आसानी रहेगी। ये इस तरह से धीरे धीरे करके डालते रहें और इसको चलाते रहें। इसको चलाना ना भूलें नहीं तो इसमें गुठले पड़ने का डर रहता है। ये देखिए ये मैंने सारा पेस्ट जो भी था वो सारा इसमें डाल दिया है और दूध को उबाल आने के बाद ही चावल का पेस्ट हमें डालना है, पहले नहीं डालना है। अब हम इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। देखिए धीरे धीरे ये गाढ़ा होने लगा है और पहले ही चावल को धो के हमने भिगो लिया था तो वो वैसे ही थोड़े गले हुए थे, तो इनको गलने में टाइम नहीं लगेगा। दूध के अंदर भी ये गल चुके हैं। अब हम इसमें केसर डालेंगे। मैंने दूध दूध के अंदर केसर को पहले ही भिगो के रख रखा था। लगभग आधा घंटे पहले आप केसर भिगो दें, इससे कलर अच्छा आएगा। चाहे तो आप पानी में भी भिगो सकते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स कर दें और थोड़ी देर और उबलने दें जब तक केसर का कलर आ जाएगा। ये देखिए बिल्कुल केसर का कलर आ चुका है और केसर की खुशबू भी आ रही है। अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। एक कटोरी चीनी ली है मैंने। अब इसे थोड़ी देर और चलाना है, चला के ताकि थोड़ी सी और उबाल आ जाए और चीनी भी गल जाए। अब मैंने ये काजू लिए हैं, काजू को थोड़ा कूट लिया है और थोड़ी बादाम की कतरन ली है। पिस्ते की कतरन भी ले सकते हैं अपन। ये मैंने बादाम की कतरन डाल दी है। थोड़ी सी कतरन रख लें ताकि जब हम इसे सर्व करें तब ऊपर से हम उसे डाल सकें। ये मैंने 1/4 चम्मच इलायची पाउडर लिया है, इसे भी इसमें डाल देंगे और गैस को बंद कर देंगे। ये हमारी फिरनी बन के तैयार है। अब हम इसमें थोड़ा सा केवड़ा या गुलाब जल अगर आपके पास हो तो हम वो डाल सकते हैं। मेरे पास ये थोड़ा गुलाब जल है, वो मैं डाल रही हूँ। लगभग 5 से 6 बूंद ली है मैंने। ये हमने इसमें गुलाब जल ऐड करके इसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब हम इसे 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। ये देखिए ये पूरी तरह ठंडा हो गया है, इसके ऊपर ये मलाई जम गई है। अब हम इसे सर्व करेंगे। अगर आपके पास कोई मिट्टी का कोई कटोरी या सराई हो तो वो और भी अच्छी लगेगी इसके अंदर, तो उसको अगर आप लाएं तो पहले पानी में आधे घंटे भिगो दें और फिर उसके बाद में उसके अंदर इस फिरनी को सर्व करें। ये इससे और भी अच्छी लगेगी और दिखने में भी बहुत ही सुंदर लगती है, टेस्ट भी बढ़ जाता है इसका। और फिर उसके बाद हम इसके ऊपर बादाम की थोड़ी कतरन डालेंगे, पिस्ते हो तो पिस्ते की कतरन डाल सकते हैं, ऊपर थोड़ा केसर का दूध में मिक्स करके भी डाल सकते हैं और इसको हम ये सब डाल के सर्व करेंगे। तो आप बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जो इसका बेल आइकन है उसको ऑल पे सेट कीजिएगा ताकि आपको आगे भी मेरे वीडियो और मिल सके। धन्यवाद।